हेलो गाइस, वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक है, नेम रिएक्शन है, वो है हमारी केनिजारो रिएक्शन। ठीक है, केनिजारो रिएक्शन होती है वो आपकी जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, आप देखिए ये हो गया आपका कार्बोनिल ग्रुप। इस कार्बोनिल ग्रुप में होती है और इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन है आपके पास वो एब्सेंट होना चाहिए। यानी अगर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो रिएक्शन नहीं होगी, और आपके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो आपके पास जो केनिजारो रिएक्शन है वो होगी। तो देखिए, आप जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, आप देखिए HCHO ये एग्जांपल है। इसमें देखिए आपके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। ये कार्बन, अगर इस कार्बन के पास वाला कोई कार्बन हो अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होंगे उन्हें हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये ऐसा कार्बोनिल ग्रुप लेना है हमारे को जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, ठीक है। तो हमने लिया एक, ये साथ में कुछ एक इसके जैसा ही मॉलिक्यूल ले लेते हैं, दो मॉलिक्यूल्स लेंगे इसमें, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, ठीक है। केनिजारो रिएक्शन होगी वो किसी एल्कली की प्रेजेंस में होती है। जैसे आपने कुछ एल्कली, जैसे आप NaOH भी ले सकते हैं या आप KOH भी ले सकते हैं। एल्कली में आप देखिए आपको लेना है कॉन्सनट्रेट, जो एल्कली लेंगे वो लेनी है हमारे को कॉन्सनट्रेट। और कॉन्सनट्रेट जो एल्कली लेनी है वो क्यों लेनी है, इसका कारण मैं मैकेनिज्म में आपको बताऊंगा। तो गाइस, आप एल्कली में कॉन्सनट्रेट NaOH भी ले सकते हैं और कंसनट्रेट आप KOH भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा, इसमें जो एक ये मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल्स लेंगे इसमें फॉर्मेल्डिहाइड के, यानी दो कार्बोनिल कंपाउंड्स लेंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है, एब्सेंट हो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसका क्या होगा, एक का तो होता है आपके पास ऑक्सीडेशन जैसा और एक का होगा रिडक्शन जैसा। तो देखिए इस कंपाउंड का क्या बनेगा हमारे पास, इसमें सोल्ट बन जाएगा आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का, और जो ये कंपाउंड है इसका बनेगा आपके पास CH3OH, एल्कोहलिक ग्रुप बन जाता है, ठीक है। तो गाइस, जो आपकी केनिजारो रिएक्शन है उसको हम तीन प्रकार से कर सकते हैं। एक तो आपकी इंटरमोलिकुलर, एक होगी आपकी इंट्रामोलिकुलर, और एक होगी क्रॉस केनिजारो रिएक्शन, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में हम देखते हैं कि इंटरमोलिकुलर क्या होती है, इंट्रामोलिकुलर क्या होती है, और आपकी क्रॉस्ड क्या होती है। देखिए पहले हम बता देते हैं इंटर के बारे में, इंटरमोलिकुलर। जो इंटरमोलिकुलर आपकी केनिजारो रिएक्शन, CR लिख रहा हूँ केनिजारो रिएक्शन को मैं, ठीक है, समझ जाना। तो इंटरमोलिकुलर जो आपकी केनिजारो रिएक्शन है वो होगी, जैसे आप देखिए ये रिएक्शन है आपकी, ये इंटरमोलिकुलर रिएक्शन है। जैसे HCHO प्लस आप ले लिए SCHO, ठीक है, किसी एल्कली यानी कॉन्सनट्रेट, हमने एल्कली लेंगे, हम NaOH भी ले सकते हैं या KOH भी ले सकते हैं। तो क्या बनेगा हमारे पास, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा, साथ में हमारे पास कुछ एल्कोहलिक कंपाउंड बनता है, ठीक है गाइस, आ रहा है समझ में। अब क्या करेंगे कि जो इंटरमोलिकुलर देख लिया, अब हम देखेंगे इंट्रामोलिकुलर। देखिए आयन, जो आपकी इंट्रामोलिकुलर केनिजारो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, उसमें क्या, देखिए आप भी एक ही मोलिक्यूल के अंदर इंट्रा, अब देखिए वर्ड को देखिए और उसमें क्या होगा कि इंट्रा में ये देखिए, अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन है, बट ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये किसी दूसरे ग्रुप का है, ये दोनों ग्रुप अलग अलग हैं तो यहाँ पे अल्फा कार्बन प्रेजेंट नहीं है। तो गाइस ध्यान रखना, आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो ना कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कॉन्सनट्रेट हमने कोई एक एल्कली ले लेते हैं, जैसे NaOH ले लिया या KOH ले लिया, तो हमारे पास क्या कंपाउंड बनेगा, इससे तो हमारे को बनाना है C, ठीक है। सॉरी गाइस, 1 मिनट, ये और जो आपका ये कंपाउंड है इससे आप कुछ एल्कोहलिक कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है, यानी एक का रिडक्शन करना है और एक का ऑक्सीडेशन, तो इसमें क्या होगा CH3OH ये बन जाता है, ठीक है गाइस। अब हम देखते हैं कि हमारी जो क्रॉस्ड केनिजारो रिएक्शन है वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी जो रिएक्शन वो है, इसका टाइप है क्रॉस्ड केनिजारो, ठीक है। क्रॉस्ड केनिजारो रिएक्शन में आप देखिए, जैसे आपने ले लिया एक तो
ये और एक ले लिया आप ये, ठीक है, यानी दोनों कंपाउंड अलग अलग हों तो वो क्रोसड कैनिजारो रिएक्शन करते हैं, ठीक है। एक का क्या करना है आपको, एक का रिडक्शन करवाना है और एक का क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन करवाना है। एक बात ध्यान रखना गाइज कि जो कैनिजारो रिएक्शन है उसमें जो आपका अल्फा हाइड्रोजन है वो प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये बात ध्यान रखना, अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो तो ही ये कैनिजारो रिएक्शन है वो होगी, ठीक है। तो अब हम इसकी जो मैकेनिज्म है उसको शुरू करते हैं। अब मैकेनिज्म में क्या करते हैं, हम एक लेते हैं आपका जो आपको रिएक्शन करवानी, ये आप देखिए, पहले आपकी जो रिएक्टेंट है वो है HCHO+HCHO, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवानी है आपको, जो रिएक्शन करवानी है वो किसी कॉन्सेंट्रेट, जो आपका कंसंट्रेट एल्किली होगी उसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, तो हम यहाँ पे NaOH ले लेते हैं, ठीक है, वो भी कंसंट्रेट लेंगे, ठीक है। तो इसकी जो रिएक्शन मैकेनिज्म होगी, इसकी क्रियाविधि होगी वो क्या होगी उसको देखते हैं। आप जानते हैं कि जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड है HCHO, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हमने जो आपका कॉन्सेंट्रेट NaOH लिया था उसको तोड़ेंगे, ठीक है। जो आपका कॉन्सेंट्रेट NaOH है वो किस किस में टूटता है, किस किस में ब्रेक होता है, आप देखिए, जो आपका NaOH है वो ब्रेक होगा आपका Na+ और OH- में, ठीक है, यही होगा। अब आप देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को हम ब्रेक करें, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो क्या होगा कि जो आपका ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा होता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव आ जाता है अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो कार्बन पे, और जो ऑक्सीजन है वहां पे नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है, यानी यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। अब आप देखिए जो आपके पास OH है, अब देखिए यहाँ से हमने जो NaOH लिया था उसको ब्रेक किया Na+ और OH- में, अब आप यहाँ पे OH नेगेटिव को ले लेंगे, जो आपका OH नेगेटिव है वो रिएक्शन करेगा और ये जो OH नेगेटिव है ये जो कार्बन है पॉजिटिव इस पे आके रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे आके ये जुड़ जाएगा, तो हमारे पास जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, ओ नेगेटिव, ये कार्बन आपका, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे जो कार्बन है उसके पास जुड़ा OH और ये पहले वाला हाइड्रोजन, ठीक है। अब हम ये हमारे पास इंटरमीडिएट बन गया। अब हम क्या करेंगे कि हमने जो दूसरा मॉलिक्यूल लिया था, ये तो आपका पहला मॉलिक्यूल होगा ये वाला, अब इस मॉलिक्यूल को भी तो यूज में लेना है, तो अब हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास जो इंटरमीडिएट है वो ये बन गया, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन इस मॉलिक्यूल से करवा दें, इस मॉलिक्यूल से करवा दें तो रिएक्शन आगे बढ़ेगी, तो रिएक्शन क्या होगी, अब इसको देखिए, इसके साथ आप रिएक्शन करवा रहे हैं इसकी, इस मॉलिक्यूल की, ठीक है, इस मॉलिक्यूल की इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे COO, ठीक है, H, ये H। अब यहां पर क्या होता है, आप देखिए यहां पर इस स्टेप में क्या होता है आपका, हाइड्राइड ट्रांसफर, ठीक है, यहां पे क्या होता है, हाइड्राइड ट्रांसफर। अब देखिए जो हाइड्राइड ट्रांसफर क्या होगा कि हाइड्राइड ट्रांसफर में यहां से जो H है वो H नेगेटिव के रूप में यहां से निकलता है और यहां पे आ जाता है, ठीक है। अब देखिए इस बॉन्ड को अगर हम ब्रेक करते हैं, पहले मैं बहुत बार बता चुका हूं रिएक्शन मैकेनिज्म में कि अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड हो और उसको एक बॉन्ड को ब्रेक करना चाहें तो ऑक्सीजन पे आता है नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आता है पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा इसमें, ये होगा कि यहां से जो हाइड्राइड आपका निकला था, यानी ये हाइड्राइड निकला था, ये रिएक्शन कार्बन पे करेगा, कार्बन पे रिएक्शन करके ये क्या बना लेगा, कुछ इस तरह का कंपाउंड बना लेता है, इस कंपाउंड को हम बना लेते हैं यहां पे कार्बन, यहां पे ऑक्सीजन के पास है जो हाइड्रोजन और ये एक और हाइड्रोजन आ जाता है, ये हाइड्रोजन रह गया आपका यहां पे, अब रह गया आपके पास नेगेटिव चार्ज। अब आपको क्या करना है कि आपने जो रिएक्शन करवाई थी उसमें सबसे पहले आपके पास इस नेगेटिव चार्ज को उठाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो NaOH था वहां से हमने जो Na+ थी हमारे पास उनको यूज में नहीं लिया था, तो उनको हम यूज यहां पर ले लेते हैं, तो जो Na+ है वो यहां पे आके रिएक्शन करेंगे, यहां पे आके रिएक्शन करें तो क्या बनाएगा ये कंपाउंड क्या बनेगा, ये हमारे को बना के देगा आपका एक
यहाँ पे आपके पास जो ऑक्सीजन है यहाँ पे आपके पास Na प्लस लग जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया एक। तो यहाँ से हाइड्राइड का ट्रांसफर होने के बाद जो कंपाउंड बचा था वो क्या था, यही तो बचा था आपके पास। इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल दो, यानी हमारे पास जो दो कंपाउंड बन गए, एक तो इससे जो कंपाउंड बना वो क्या बन गया आपका, जो ये है ये कंपाउंड, प्लस आपके पास इससे जो मैटर बना है वो क्या बन गया, वो बन गया ठीक है। अब हमारे को क्या करना है कि जो ये आपका ये है ये कुछ एसिडिक की तरह बिहेव करेगा और ये कुछ बेस की तरह बिहेव करता है। तो हम क्या करें कि इन दोनों की रिएक्शन आपस में करवा दें, इसकी और इसकी रिएक्शन आपस में करवा दें, तो हमारे पास क्या बनेगा। अब देखिए इन दोनों की रिएक्शन करवा दी जाए, अगर दोनों की रिएक्शन करवा दी जाए तो क्या होगा, इस कंपाउंड को जो ये कंपाउंड है इसे कंपैक्ट रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं CH3ONA, ठीक है। इसको इस प्रकार लिख दिया, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, C आपका H, ये डबल O और ये H, ठीक है। तो इसमें जो एसिड की तरह बिहेव करेगा तो ये यहाँ से H प्लस देगा, यहाँ से जो Na है वो निकल जाएगा, यानी Na यहाँ पे आएगा और हाइड्रोजन यहाँ पे चले जाएगा। तो इसमें क्या बनेगा आपके पास, इस कंपाउंड से तो क्या बन गया आपका HCOONa, और इससे क्या बना आपका, इससे बना CH3, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, जो ये कंपाउंड है इससे आपके पास CH3OH बन जाता है, और ये बनता है इस कंपाउंड से, ठीक है। तो इस प्रकार जो इसकी मैकेनिज्म है वो हो जाती है। इसकी मैकेनिज्म में मैंने बताया था कि हम कॉन्सनट्रेट NaOH को ही क्यों लेते हैं या कॉन्सनट्रेट एल्केली क्यों लेते हैं। आप देखिए इस कंपाउंड को, इस कंपाउंड में देखिए आप यहाँ पे इस पे OH का अटैक करवा रहे हैं इस कंपाउंड पे, और ये कंपाउंड बन रहा है। अगर हम जो कॉन्सनट्रेट जो आपका एल्कली है वो नहीं लेंगे तो ये रिवर्स रिएक्शन कर देगा और आपके पास पुनः जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड है वो मिल जाता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम आगे बढ़ाएंगे, और ये जो OH है इस कार्बन के साथ ही अटैच रहे, इसलिए हम क्या करते हैं कि कॉन्सनट्रेट NaOH लेते हैं, जो इसकी पावर को बढ़ाता है, ठीक है। तो इसकी जो रिएक्शन मैकेनिज्म है ये हो गई। इसमें आप देखिए पहले हमने क्या लिया कि एक कंपाउंड लिया ये वाला, और इसकी OH इस पे क्या करवाया, OH का अटैक करवाया, ठीक है। OH हमने कहाँ से बनाया, NaOH से OH बनाया है। NaOH का हमने क्या किया, उसको तोड़ा Na प्लस और OH माइनस में। अब क्या एक जो ये मॉलिक्यूल था इससे हमारे पास ये कंपाउंड बन गया ये वाला। इस कंपाउंड का बनने के बाद क्या करेंगे कि हम दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे, हमारा जो रिएक्टेंट था वो दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लेंगे, और उसकी रिएक्शन यहाँ इस मॉलिक्यूल से करवा देंगे। तो इस मॉलिक्यूल से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्राइड ट्रांसफर होता है। यहाँ पे क्या होता है, हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, और हाइड्राइड ट्रांसफर होने के बाद हमारे पास ये कंपाउंड बनता है, ठीक है। और इसमें जो आपके पास ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है उसको दूर करने के लिए Na प्लस यूज करेंगे, ये कंपाउंड बन गया। अब यहाँ से जो हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ था वो तो हो गया, और बचा क्या कंपाउंड, उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और इस मेथड से जो यही इस कंपाउंड वाला जो आया वो ही आ गया, यानी हम देखें तो जो HCHO है उससे तो आपके पास बना है ये कंपाउंड, और इस वाले से बना है ये। अब इन दोनों की रिएक्शन करवानी है, तो इन दोनों की रिएक्शन करवाने से हमें इसकी रिएक्शन, इन दोनों की रिएक्शन करवा दें तो हमें मिलता है ये कंपाउंड, ठीक है। तो इसकी जो रिएक्शन मैकेनिज्म है बहुत ही सिंपल है गाइस। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर वीडियो। जो ये चैनल है इस पे BSc MSc नहीं, साथ में UPSC और RPSC और जो NCERT की बुक्स हैं उनके सभी वीडियोस उपलब्ध हैं, तो आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं, चेक इन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर वीडियोस। थैंक यू गाइस।